हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट पवन गौकर. वेलकम टू अ क्लास फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स. वी आर ऑन टू डूइंग रिवीजन ऑफ द चैप्टर मनी मार्केट. मनी मार्केट में कितने यूनिट्स हैं? देर आर थ्री यूनिट्स. करेक्ट. कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई एंड मॉनिटरी पॉलिसी. कुल मिला के 10 मार्क का वेटेज है इस चैप्टर को. हमारा इस लेक्चर का टारगेट है मनी मार्केट में हमें आज कंप्लीट करना है कंसेप्ट ऑफ मनी डिमांड विथ एमसीक्यूज. ऑलराइट, आर वी रेडी फॉर इट? ऑलराइट, सो यस गाइस, लेट्स इस यूनिट में, ओके, मनी डिमांड यूनिट में हमने फंक्शंस ऑफ मनी पढ़ना है, द डिमांड फॉर मनी, द थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी जिसमें क्वेश्चन आएंगे, एंड पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट्स इन द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी. Keynesian, अपने सर जॉन कीन्स इतने बार सुन लिया है कि आपको एकदम पता चल गया कि who is he. So, money may make the world go around, right? अगर money बनना है तो money should serve as what? It should serve as a storage of value, correct है? Which means people can save it and use it for purchasing at some later time. Then it should have a unit of account, right? It should have a unit of account. What do you mean by it should have a unit of account? It should provide a common base for all the prices. And it should act as a medium of exchange that people can use it to buy and sell from one another. Guys, zarur is pe ek question aapke exam mein zarur dikhega is point ko leke. Money should serve, can serve as a storage of value. Tabhi wo money kehlayega. It should have, it should be a common base having unit of account and it should act as a medium of exchange. Koi bhi cheez kharidne ke liye paisa kaam mein aana chahiye. ओके, सो या अगर हमारे पास पैसा ही नहीं होता, हमारे पास अगर ये करेंसी ही नहीं होती तो, करेंसी ही नहीं होती तो, बोलो बोलो, करेंसी ही नहीं होती तो हमारा जो सिस्टम होता, हम लोग बाटर इकोनॉमी में जी रहे होते, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. अब अगर पैसे नहीं है तो आप तभी के तभी सेल और परचेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बायर और सेलर सेम कमोडिटी की डिमांड का आपको उसी समय पे मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. ओवर अ टाइम मनी का मीनिंग थोड़ा थोड़ा बदला है. सबसे पुराने जमाने में मनी का दर्जा किसे मिला था? कॉरी शेल्स, करेक्ट. उसके बाद बाले, उसके बाद पेपरकॉर्न्स, उसके बाद आया गोल्ड एंड सिल्वर. ठीक है, हमारा जो पैसा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ट्रू ऑफ फॉल्स? हमारा जो पैसा है इसका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, ट्रू ऑफ फॉल्स? कम ऑन, फॉल्स. इसमें कोई भी वैल्यू नहीं होता, इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. एस्पिरेशनल वैल्यू है इसमें. इस मनी को क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं? फिएट मनी. ब्यूटिफुल, उनको बोलो फेल करके दिखाए. इट इज कॉल्ड एज फिएट मनी. इतने अच्छे से समझ गए कंसेप्ट कि हर चीज का जवाब है हमारे पास. पहले के जमाने में लोग खरीदने के लिए डायरेक्टली गोल्ड और सिल्वर ले जाते थे, फिर धीरे से गोल्ड और सिल्वर बैंक में जमा करके एक स्लिप लेने लग गए, डिपॉजिटरी रिसीट्स लेने लग गए, और फिर धीरे से डिपॉजिटरी रिसीट्स की जगह नोट आ गई. पहले इस नोट के पीछे गोल्ड या सिल्वर या प्रेशियस मेटल का वैल्यू प्रिस्क्राइब होता था, लेकिन धीरे से गोल्ड को डीलिंग कर दिया, प्रेशियस मेटल को डीलिंग कर दिया, और डायरेक्टली नोट छापने लगी गवर्नमेंट. एंड दिस इज वेयर फिएट मनी वॉज बॉर्न. राइट, फिएट मनी इज मटेरियली वर्थलेस. इस चीज को याद रखना, एमसीक्यू गोल्ड, फिएट मनी इज मटेरियली वर्थलेस. लोगों के दिल में इसकी वैल्यू है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी पे भी क्वेश्चन आ सकता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी, जनरली एक्सेप्टेबल, ड्यूरेबल, effortlessly recognizable, difficult to counterfeit. What do you mean by counterfeit? Fake currency. ठीक है, fake currency बनाना थोड़ा मुश्किल रहेगा. ठीक है, counterfeiting नहीं होना चाहिए, fake currency नहीं बननी चाहिए. Scarcity होनी चाहिए, लेकिन supply में elasticity होनी चाहिए. Portable होना चाहिए, easily transportable होना चाहिए. It should have uniformity and it should be divisible into smaller parts and without losing its value. Characteristics of money pe bhi bilkul question aayega. Theek hai? How money is measured ko leke, chalo kuch formula pooch lo main aapko. Is unit mein to formula nahi hai, lekin hum logo ko pata honi chahiye formula first unit se hi. M1 ka formula, anyone?
ऑप्शन पूनम कंचन टाइम नहीं है, डायरेक्टली आंसर बोलो। M1 का फॉर्मूला करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट ऑफ बैंक्स। वेरी गुड रेवती, वेरी गुड। और अदर डिपॉजिट, अदर डिपॉजिट, क्या बात है, लड़ रहे हो आंसर देने के लिए, क्या बात है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पीपल डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक, दैट इज कासा। कैन यू गिव मी द फुल फॉर्म ऑफ कासा? करंट एंड सेविंग डिपॉजिट। करेक्ट, ऐसा एकदम प्राउड फील कर रहे हैं हम, एकदम ऐसा मुंह उठा के जवाब दे रहे हो, वेरी गुड। इसको कहते हैं तैयारी, क्या बात है। एंड अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। M2 का फॉर्मूला कौन बताएगा? M2 का फॉर्मूला M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, M प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग, क्या बात है, मजा ही आ गया भाई। अच्छा, M1 M2 M3 M4, व्हिच वन इज कॉल्ड एज ब्रॉड मनी? M3। M3 का फॉर्मूला कौन बताएगा? M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। दो टाइप के डिपॉजिट्स रहते हैं, कौन से? एक होता है टाइम डिपॉजिट, दूसरा डिमांड डिपॉजिट। करेक्ट, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट। तो इसमें से FD किस में आती है? टाइम डिपॉजिट। एब्सोल्युटली करेक्ट, ब्यूटीफुल। एंड M4 का वैल्यू, M4 का फॉर्मूला कौन बताएगा? M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M3 प्लस पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट्स, ब्यूटीफुल, क्या बात है। एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग। करेक्ट, सो डिमांड फॉर मनी, द डिमांड फॉर मनी इज इन द नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड, राइट? द डिमांड फॉर मनी इज इन नेचर ऑफ डिराइव्ड डिमांड, इट इज डिमांडेड फॉर इट्स परचेसिंग पावर। इस पैसों से हम कुछ खरीद पाते हैं, इस पैसों से हम कुछ खरीद पाते हैं, इसलिए इस पैसों की डिमांड है, तो हम कुछ खरीद पाते इसलिए डिराइव्ड डिमांड है, याद रखना। डिमांड फॉर मनी इज एक्चुअली डिमांड फॉर लिक्विडिटी एंड डिमांड फॉर स्टोरेज इन वैल्यू। इस नोट में कितना कितना स्टोरेज हुआ है, वैल्यू का कितना स्टोरेज हुआ है, बताएंगे मुझे? इस नोट में 500 का वैल्यू स्टोर्ड है इसमें, यानी आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाएंगे तो 500 रुपए की वर्थ की कोई भी प्रोडक्ट आप इससे खरीद पाओगे। स्टोर्ड वैल्यू इट हैज गॉट। Demand for money has an important role in the determination of interest prices and income in the economy. Understanding the money demand and how various factors affect the demand is the basic requirement in setting a target for monetary authority. India mein monetary authority kaun hai? RBI. Rukna nahi, time nahi hai, revision session hai, jaldi jaldi answer do. The quantity of nominal money or how much money people would like to hold in liquid form. What do you mean by liquid form? What do you mean by liquid form? Liquid form mein kya? लिक्विड फॉर्म है यहाँ पे सीधा सीधा कैश, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन व्हाट, आप कितना पैसा लिक्विड फॉर्म में रखोगे, डिपेंड्स ऑन द इनकम, डिपेंड्स ऑन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल जीडीपी। हाँ, एक होता है नॉमिनल जीडीपी, दूसरा क्या होता है? रियल जीडीपी। नॉमिनल और रियल में डिफरेंस क्या होता है, बताओ मुझे? नॉमिनल में प्राइस इफेक्ट होता है। नॉमिनल में इन्फ्लेशन। हाँ, रियल जीडीपी इसका मतलब इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। करेक्ट, इट इज एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, क्या बात है कंचन, गुड, सारे आंसर्स दे रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड गुड। सो इट डिपेंड्स ऑन द इनकम, कितना पैसा आप होल्ड करोगे, डिपेंड्स ऑन द जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रियल जीडीपी एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। फाइनेंशियल इनोवेशन है क्या? फाइनेंशियल इनोवेशन है क्या? क्रेडिट कार्ड आना, डेबिट कार्ड आ जाना, या फिर ये आ जाना, ये क्या है? ये यूपीआई, जीपे, यूपीआई। तो अभी क्रेडिट कार्ड्स है, यूपीआई एक बेस, जीपे है, गूगल पे है, फोन पे है, तो हमें कैश की जरूरत फिर उतनी पड़ती नहीं, उससे डिमांड हल्की कम हो जाती है। हायर द इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स, हायर द एक्सपेंडिचर, रिचर पीपल होल्ड मोर मनी टू फाइनेंस देयर एक्सपेंडिचर, द क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रीवेलिंग प्राइस लेवल। हायर द प्राइसेस, हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी, करेक्ट है? हायर द प्राइसेस, हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी। सो आप पढ़ते हैं डिमांड, थियोरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी। तीन मेजर अप्रोचेस है, पहला है क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, सेकंड इज कैम्ब्रिज अप्रोच एंड थर्ड इज कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी। रेज योर हैंड्स, नॉट रेज योर हैंड्स, आंसर इट फास्ट। जो पहला अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, हु गेव दिस थ्योरी? इरविंग फिशर। सर इरविंग फिशर, व्हिच यूनिवर्सिटी?
which university he was Yale associated with? Yale University. Baap bhai, itna padh ke aaye ho kya? So classical approach, the quantity theory of money. So Irving Fisher of Yale University, unki jo book thi, The Purchasing Power of Money. प्रॉपर बुक है इनकी द परचेसिंग पावर ऑफ मनी इट्स डिटरमिनेशन रिलेशन ऑफ क्रेडिट इंटरेस्ट एंड क्राइसिस सर इरविंग फिशर की प्रॉपर बुक है इन्होंने बताया है बोथ वर्जन्स ऑफ क्यूटीएम व्हाट इज क्यूटीएम क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी डेमोंस्ट्रेट दैट देयर इज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लेवल कोई भी प्रोडक्ट खरीदने में कितने पैसे लगते हैं इसको कहते हैं प्राइस लेवल इन अदर वर्ड्स चेंजेस इन द जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइसेस महंगाई की बात कर रहे हैं And changes in the value of purchasing power of the money are determined first and foremost by the changes in the quantity of money in circulation. जितना ज़्यादा पैसा circulation में रहेगा, उतनी ज़्यादी commodity की जो prices है, वो कम ज़्यादा होगी. So guys, classical approach is which approach? Raise your hands. Difficult question है. Don't leak this answer. Classical approach में कौन सा approach है? Transaction, precautionary या speculative? चलो बोल दो answers. Transaction. Classical approach is totally transaction oriented. Yes, transaction approach. Fisher's version also known as equation of exchange or transaction approach is formally stated as follows. MV is equal to PT. ठीक है. PT is the total value of transactions made. ठीक है. Total value of transactions made. What is M? What is M? Total amount of money in circulation. What is V? What is V? Velocity. Velocity is equal to P. Average price level. And T is the total number of transaction. T को बाद में किससे replace किया गया बताओ? Y. Y से replace किया गया. ठीक है? अब इस equation को थोड़ा और better बना दिया bank के आने से, right? Raise your hands. क्योंकि bank क्या देता है? Bank से आता है उधार का पैसा, credit money. इस equation को अब कैसे rewrite करेंगे हम? कौन बताएगा? मैंने अच्छा पढ़ाया बहुत ज्यादा या फिर तुम लोग पढ़ाई करके आए मुझे समझ में नहीं आ रहा एम वी प्लस एम वाई फाइव वी वाई फाइव याद आ रहा है कुछ एम वी प्लस एम हाइफिन वी हाइफिन ठीक है एम वी प्लस एम हाइफिन वी हाइफिन इज इक्वल टू पी टी एम हाइफिन वी हाइफिन क्या है The total of quantity of credit money जो bank उधार देती है लोगों को and velocity of circulation of credit money ये उधार के पैसों पे तो transactions होते हैं हमारे तो कुछ दोस्त पलते उधार के पैसों पे ठीक है T is the function of national income जितना ज्यादा लोगों के पास पैसा रहेगा जितना ज्यादा national income रहेगा उतना ज्यादा transaction रहेगा okay so yeah that's the entire formula और जो classical approach है totally पैसा हमें क्यों चाहिए पैसा हमें क्यों चाहिए बताइए हमें पैसा चाहिए ट्रांजैक्शंस के लिए कैसा चाहिए किस लिए चाहिए पैसा ट्रांजैक्शन के लिए सो या सो ट्रांजैक्शन अप्रोच क्लासिकल अप्रोच इज टोटली ट्रांजैक्शन अप्रोच अब फॉलोड बाय कैम्ब्रिज अप्रोच यानी कौन सी यूनिवर्सिटी बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ये कौन सा अप्रोच था न्यू क्लासिकल अप्रोच इसमें क्या बोला गया था कि आप लोग क्या करने की कोशिश करोगे क्या करने की कोशिश आप पैसे हाथ में रखने की कोशिश करोगे यू विल कीप मनी विथ यू कैश बैलेंस अप्रोच इसको कहते हैं कैश बैलेंस अप्रोच ठीक है कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे इस थ्योरी में जैसे आयरविन फिशर थे रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड कीन्स अच्छा पढ़ाई करके आए हो मजा ही आ गया बहुत मजा आ गया यानी मुंह उठा के आंसर दे रहे हो बिल्कुल बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हो वेरी गुड क्या बात है सो इन द अर्ली 1900s द कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल एसी पिगाव रॉबर्टसन एंड जॉन मेनार्ड कीन्स कुछ भी नहीं आया कीन्स घुसेड़ देना हर जगह ठीक है देन असोसिएट कैम्ब्रिज पुट फॉरवर्ड अ फंडामेंटली डिफरेंट अप्रोच टू क्वांटिटी थ्योरी कॉल्ड एज न्यू क्लासिकल थ्योरी और कैश बैलेंस अप्रोच इन्होंने क्या कर दिया लोगों को कहा कि गाइस हाथ में क्या रखो पैसे रखो कब क्या पता कब यूज हो जाए एनेबलिंग द पॉसिबिलिटी कैम्ब्रिज वर्जन होल्ड्स द मनी इंक्रीजेस यूटिलिटी बाय टू वेज अगर हाथ में पैसा रहा तो क्या होगा हम लोग स्प्लिट अप कर पाएंगे सेल और परचेज को जो कि पैसा होने से हो जाता है और दूसरा है बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हेज जल्दी बताओ हेज यानी क्या Reducing risk. ठीक है. So while the first approach represents transaction motive,
The second points on the money's role as a temporary store of wealth. पैसा जो पैसा हाथ में रहा तो हमारे पास क्या रहेगा? Temporary storage of wealth, temporary abode. What do you mean by the word abode? Home. घर, home. तो गाइस पैसा हाथ में रहा तो हमारे पास एक वेल्थ का हमारा टेम्पररी स्टोरेज रहेगा जो हमें कोई भी अनसर्टेनिटी से बचाएगा. सो डिमांड फॉर मनी ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ प्रिकॉशनरी मोटिव. ठीक है, लेकिन ठीक है, कैम्ब्रिज अप्रोच में धीरे से उन्होंने कह दिया है कि इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ प्रिकॉशनरी मोटिव. अरे यार हाथ में पैसा रहेगा तो कोई भी इमरजेंसी आए तो हम पैसा यूज कर पाएंगे. लेकिन अगर आप ओवरऑल थ्योरी पढ़ोगे तो वो ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड ही है. लेकिन एक लाइन छोटी सी उन्होंने जोड़ दी है, हाउ कैम्ब्रिज अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच. थोड़ा सा पैसा हाथ में रखने के लिए बोल रहा है, प्रिकॉशनरी मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. ट्रांजैक्शन ओरिएंटेड तो है, सिंस मनी गिव्स यूटिलिटी इन द स्टोर ऑफ वेल्थ एंड प्रिकॉशनरी मोड, वन कैन से दैट मनी इज डिमांडेड फॉर इटसेल्फ. पैसा हमारे पास हमेशा होना चाहिए. तो रेज योर हैंड्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैम्ब्रिज अप्रोच के हिसाब से फॉर्मूला क्या है? Money MD demand is equals to MD is equal to KPY. MD is equal to KPY. What is K? What is K? What is K? What is K? KPY. Proportion. पढ़ के बता रहे हो? नहीं. K को कुछ नाम है. K को कुछ नाम है. Constant. Cambridge constant. कुछ ज़्यादा है? MD is the demand for money. P is the average level of price level. Y is the real national income. PY is the nominal income. और K is the proportion of nominal income that people wants to hold. कैश बैलेंस. ठीक है, पूरा पैसा लोग कैश में नहीं रखेंगे, कुछ पार्ट रखेंगे. वो कांस्टेंट हर कंट्री टू कंट्री बदलेगा. करेक्ट है, हर कंट्री टू कंट्री बदलेगा. ओके, सो मेजरली जो कैम्ब्रिज अप्रोच है किसलिए होता है? किसलिए होता है मेजरली? किसलिए? ट्रांजैक्शन अप्रोच और थोड़ा सा प्रिकॉशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. हाँ, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं. फिर कीनीशियन थ्योरी, जॉन कीन्स को लगा नहीं 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 नहीं, 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 नहीं मजा नहीं आया इसमें. The Keynesian theory of demand for money, Keynes theory of demand for money is known as liquidity preference theory. यानी पैसा liquid form में रखो. That coined by John Maynard Keynes in his masterpiece. कौन सी book थी? The General Theory of Employment, Interest and Money. इस book में और क्या क्या बताया उन्होंने? इस book में और क्या बताया? बताओ. इस book में. People's desire. इस book में उन्होंने ये भी बताया कि Great Depression क्यों हुआ था? क्यों हुआ? Right? National income का unit two याद है थोड़ा बहुत? हाँ. It denotes people's desire to hold money rather than securities or long-term interest-bearing investment. What are the motives of holding money? Bolo boys. Transaction motive, precautionary motive. Speculative. Transaction motive, precautionary motive and speculative motive. तो ये तो हमको पता ही है भाई. Expenditure को support करने के लिए, transactions करने के लिए हमें cash चाहिए होता है. ठीक है, business को आगे बढ़ाने के लिए हमें cash चाहिए होता है. ठीक है, so guys. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी, LR इज इक्वल टू हाउ मच? LR इज इक्वल टू KY. ट्रांजेक्शन डिमांड फॉर मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द लेवल ऑफ इनकम. जितनी ज्यादा इनकम रहेगी उतना ज्यादा पैसा हम लोग ट्रांजेक्शन पे खर्च करेंगे. ठीक है, Keynes considered the aggregate demand for money for transaction purpose as a sum of individual demand and therefore aggregate transaction demand for money is the function of national income. जितनी ज्यादा इनकम रहेगी उतना ज्यादा ट्रांजेक्शन रहेगी. ये तो हमने पहले अप्रोच में भी पढ़ रखा है. ऐसा कहीं पढ़ा था कि हमने? देखो तो जरा. T is a function of national income, ये क्लासिकल अप्रोच में भी पढ़ा है हमने. तो गाइस कोई भी थ्योरी पुराने थ्योरी का सपोर्ट लेके ही बनती है और उसको बेटर थ्योरी बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थ्योरी कॉमन दिखती है. दूसरा है प्रिकॉशनरी मोटिव. प्रिकॉशनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी डिमांड ऑफ मनी फॉर व्हाट? किस लिए होती है ये? अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसी. करेक्ट, अनफोर्सीन, अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसीज, अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर, जो इमरजेंसी वाली सिचुएशंस आ गई उसके लिए प्रिकॉशनरी मोटिव होता है. और जो स्पेकुलेटिव मोटिव है, स्पेकुलेटिव मोटिव है ना क्या? पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है समहाउ. ठीक है, अभी हाथ में पैसे हैं तो आपको पता चला ये प्लॉट आपको 5 करोड़ का है, आपको अगले पार्टी को बहुत अर्जेंसी है पैसों की, 3 करोड़ में देने के लिए रेडी है, लेकिन पैसा अभी के अभी चाहिए. तो गाइस 5 करोड़ की चीज 3 करोड़ में मिल रही है, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस है. ये आप हमेशा ये पैसे नहीं कमाओगे, ये कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है, थोड़े समय के लिए होती है, जो बहुत अट्रैक्टिव होती है, उसके लिए भी पैसा हाथ में होना चाहिए. ठीक है, सो गाइस या दैट्स दैट. स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी,
So yeah, summing up, as long as the current rate of interest is higher than the critical, a typical wealth holder would hold as in his asset portfolio only government bonds, while if the current rate of interest is lower, then he will only own the अमाउंट इन कैश. पूरी कोशिश करेगा कि वो कैश में इन्वॉल्व करे अपना पैसा. अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि मार्केट में पैसों की कमी है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बहुत सारा पैसा ओएमओ के थ्रू मार्केट में ला देगा. ओएमओ क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू पैसा मार्केट में ला देगा, करेक्ट? और इस एंटिसिपेशन में कि मार्केट क्या होगा मार्केट मल्टीप्लाई स्पीड अप होगा, मार्केट में बूस्ट आएगा इस उम्मीद से. लेकिन लोगों के दिल में डर इतना था कि सारा पैसा होल्ड कर लिया, सारे पैसे होल्ड कर लिए, जमा कर लिए, बिजनेस में यूज नहीं किए. रेज योर हैंड्स, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप. इसको कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप. बैंक ऑफ जापान में हुआ था ये, ठीक है? सो या यानी आपने इतना पैसा मार्केट में ला दिया कि मनी की वैल्यू भी कम हो गई और उससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलना था वो भी नहीं हो पाया. सो केनेशियन थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव, कैम्ब्रिज अप्रोच, कैश बैलेंस, कौन सा मोटिव था मेजरली, कौन सा मोटिव था? ट्रांजैक्शन मोटिव तो था ही, और धीरे से कौन सा दूसरा मोटिव था? प्रिकॉशनरी मोटिव भी था. देन क्लासिकल अप्रोच, द क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, इट वाज ओनली ट्रांजैक्शन. परफेक्ट. अब इसके बाद ये पढ़ने के बाद इन्होंने ये तीन मेजर थियोरीज मानी जाती है. लेकिन सर जॉन कीन्स के बाद भी कुछ लोगों ने काम किया. इसको कहते हैं पोस्ट कीनेशियन डेवलपमेंट्स इन द थियोरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, ठीक है? इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शनल बैलेंसेस, फ्रीडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थ्योरी एंड द डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड्स द रिस्क. तो पहला है इन्वेंटरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन बैलेंसेस. इन्वेंटरी अप्रोच, ये मेथड किसने बनाया? विलियम बॉमेल एंड जेम्स टॉबिन. और इनका भी ये कहना था कि हाथ में पैसा रखो, इन्वेंटरी यानी जमा करके रखो पैसा, ठीक है? जैसे हम लोग गुड्स, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी जमा करते, पैसों का भी इन्वेंटरी रखो. और ये पैसा किसके लिए यूज करो? ट्रांजैक्शन मोटिव. तो इन्वेंटरी मॉडल अज्यूम दैट देयर आर टू मीडिया फॉर स्टोरिंग वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मनी. पैसे को क्या करो, हाथ में रखो एज एन इन्वेंटरी, या फिर पैसों को इंटरेस्ट बेरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट में डालो. यानी क्या इंटरेस्ट बेरिंग फाइनेंशियल एसेट, यानी क्या, कहां डाल दो? उस पैसों की क्या बना दो? एफडी बना दो, ठीक है? सो इंटरेस्ट बेरिंग अल्टरनेटिव तो गाइस मनी, और इंटरेस्ट बेरिंग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल एसेट इसके आगे लिख देना एफडी, ठीक है? Inventory models assume that there are two media for storing value. There are fixed costs for making transfer between money and alternative asset, that is brokering charges. जब आप पैसे transfer करते हो तो brokering charges लगते हैं. While relatively liquid financial assets other than money offer a positive return, the above said transaction cost of going between money and these assets justify holding money. तो guys हम लोग किसी ऐसे form में पैसा डाल देते हैं जहां पे वो पैसा हमें return देता है. वो रिटर्न को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उस रिटर्न को? अगर मैंने एफडी बना ली तो क्या मिलता है मुझे, बताओ? ये पॉजिटिव रिटर्न, इंटरेस्ट. बॉमल, ठीक है सर? बॉमल पुट फॉरवर्ड अ न्यू अप्रोच टू डिमांड फॉर मनी व्हिच एक्सप्लेन्स द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट. बॉमल असर्ट्स दैट इंडिविजुअल्स होल्ड्स मनी फ्रॉम ट्रांजैक्शन पर्पस. याद रखना, इंडिविजुअल होल्ड मनी फॉर व्हाट? ट्रांजैक्शन पर्पस, ठीक है? ट्रांजैक्शन पर्पस. और बॉमल ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है वो दी है ये फॉर्मूला, आपको कितना पैसा विड्रॉ करके रखना है. सी, एवरेज अमाउंट ऑफ कैश विड्रॉल विच मिनिमाइजेस कॉस्ट. कम से कम पैसों में कितने पैसे आपने निकाल के रखना है. अंडर रूट 2 बी वाई अपॉन आर. बी इज द ब्रोकर्स फीस, वाई इज द साइज ऑफ द इंडिविजुअल्स इनकम, and R is the rate of interest. Baumol has proved that the average amount of cash withdrawal which minimizes the cost. ठीक है, ये formula की basis पे question आ सकता है, ध्यान रखना. या फिर इस पे एक मैं question आपको आज solve कराऊंगा, ठीक है? Numeric question नहीं, theory question, वैसा भी question आ सकता है. The inventory theory approach suggests that the demand for money and bond depends on the cost of making transfer between money and the bond. Example, brokerage fees. ये जो B है,
ब्रोकरेज चार्जेस है, जब यहां से पैसे वहां डाल रहे हैं तो कोई ना कोई एक मिडलमैन उसके लिए पैसे लेगा, तो ये पैसा इससे अच्छा उसको उससे डालने से अच्छा हम लोग पैसा हाथ में ही रख लें। द इंक्रीज इन ब्रोकरेज फी रेजेस द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बॉन्ड मार्केट ट्रांजेक्शन एंड कंसिक्वेंटली लोअर्स द नंबर ऑफ सच ट्रांजेक्शन। द इंक्रीज इन द ब्रोकरेज फी रेजेस द ट्रांजेक्शन demand for money and lowers the average bond holding over the period. This result follows because an increase in the brokerage fees makes it more costly to switch funds into bond holding. So, फिर अगर brokerage fees ज़्यादा होगी तो लोग bond में invest नहीं करते. An individual combines his asset portfolio of cash and bond in such proportion that the overall cost of holding the asset is minimized. तो आपको transfer करना है करो. Minimum cost के लिए कितना cash निकालोगे? कैसे पता चलेगा कितना cash निकालोगे? C is equal to under root 2 by upon r. Subakul? Yes. तो ये कौन सा था? Inventory approach to transactional balances. Inventory approach by Baumol and Tobin. इसके बाद Friedman restatement of the quantitative theory. Friedman's restatement of the quantitative theory. Milton Friedman का ये कहना था कि आप पैसे कहां डालो? कैपिटल एसेट्स में डालो। कैपिटल एसेट्स में डालोगे तो क्या होगा? आपको क्या मिलेगी? परमानेंट इनकम मिलेगी और आपको रिटर्न्स भी मिलेंगे। ठीक है? सो फ्रीडमैन मेंटेन्स दैट द परमानेंट इनकम एंड नॉट द करंट इनकम इज द केनेशियन थ्योरी दैट डिटरमाइंस द डिमांड फॉर मनी। परमानेंट इनकम व्हिच फ्रीडमैन्स मेजर ऑफ वेल्थ इज द प्रेजेंट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर इनकम। सो गाइस, हम लोग कैसे चीजों में इन्वेस्ट करेंगे अगर हमें परमानेंट इनकम चाहिए? तो बताओ कैसी जगह इन्वेस्ट करेंगे? लैंड में इन्वेस्ट कर लेंगे, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेंगे जो हमें पैसे दे। ठीक है? एंड मनी इज गुड एज एनी अदर ड्यूरेबल कंजम्पशन गुड एंड डिमांड एज अ फंक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है? तो मनी का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? द नॉमिनल डिमांड ऑफ मनी इज अ फंक्शन ऑफ वेल्थ। वेल्थ ज्यादा, डिमांड ऑफ मनी ज्यादा। ट्रू ऑफ फॉल्स? हाँ सर, वो वेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी पैसे लगते हैं। And it is positively related to the price level. जितनी ज्यादा प्राइस लेवल उतना ज्यादा पैसा लगेगा। क्या कह दो? जैसे हम लोग हमारे जमाने में जेब में 100 रुपए रखते थे, आप लोग अब 500 रुपए रखते हो क्योंकि 100 रुपए में कुछ मिलता ही नहीं। एक चॉकलेट नहीं मिलती अच्छी 100 रुपए में, क्यों? सिल्क वालो। क्या कह दो? Then rises if the opportunity cost of money holding, अगर opportunity cost of money holding बढ़ जाती है तो आपको nominal demand for money, हाथ में पैसा रखना जरूरी होता है। And it is influenced by inflation. It is influenced by inflation. So, Friedman का क्या कहना है? पैसे किस में रखो? Capital assets. जिससे आपका permanent income बनता जाए और कुछ ऐसी जगह भी invest करो जहां पे आपको returns मिले, लेकिन इसमें risk भी रहेगा। Capital assets क्या होते हैं? Shares खरीद लो, mutual funds खरीद लो, land और building, art और collectibles, cryptocurrency, jewelry और cars. Okay, तो ये कौन सा approach था? Friedman's restatement of quantitative theory. और तीसरा है demand for money as a behavior towards risk. Risk लेने की क्षमता सबकी अलग अलग होती है। क्या कहते हो? तो सर James Tobin, an American economist, in his analysis makes a valid assumption that people prefer more wealth to less. क्या कहते हो? People prefer more wealth to less. Do you agree? Yes. ज्यादा wealth चाहिए, कम wealth चाहिए? तुम बताओ। According to him, an investor is faced with the problem of what proportion of his portfolio of financial asset he should keep in the form of ready money. हमारे पास बहुत सारा wealth है, इसमें से कौन सा ready money में रखे? And in the form of investment which earns interest such as bonds. An individual's portfolio may also consist of more risky assets such as shares. According, shares are risky? Shares are risky क्या? Yeah. Election के एक दिन पहले स्टॉक मार्केट एकदम उठ जाता है, इलेक्शन दिन के दिन स्टॉक मार्केट एकदम गिर जाता है, रिस्क नहीं है क्या? है। अकॉर्डिंग टू टॉबिन, व्हेन इंडिविजुअल्स आर फेस्ड विद वेरियस सेफ एंड रिस्की एसेट्स, दे डाइवर्सिफाई देयर पोर्टफोलियो बाय होल्डिंग अ बैलेंस कॉम्बिनेशन ऑफ सेफ एंड रिस्की एसेट। तुम लोग भी पढ़ाई में, ठीक है, जो सब्जेक्ट आता है उसी को पढ़ते रहते हैं। ठीक है? काफी लोग जो सब्जेक्ट अच्छे से आते हैं उसको ज्यादा पढ़ते हैं, जो कम आते हैं उसको थोड़ा कम पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ के रखते हैं। काफी लोग मैथ्स में इतना पढ़ते हैं कि भाई 45 मिल जाए, 45 मिल जाए। Am I right, guys? तो सबका अपना अपना अप्रोच रहता है। ठीक है?
यानी कुछ लोग रिस्की एसेट्स में 80% रिस्की एसेट्स लेते हैं, 20% सेफ एसेट लेते हैं, कुछ लोग 50-50 रखते हैं. सबका अपना अपना रिस्क लेने का एक लेवल है. सो सबका एक इंडिविजुअल लेवल है रिस्क अवर्जन का. रिस्क अवर्जन है रिस्क अवॉइड करना कि भाई मैं कम रिस्क की चीज में जाऊंगा. हमारे पेरेंट्स शेयर मार्केट वेयर मार्केट में ज्यादा विश्वास नहीं रखते. बोलो क्या बनाते हैं, बोलो क्या बनाते हैं वो लोग? एफडी. वो लोग एफडी बनाते हैं. ठीक है. इफ एन इंडिविजुअल चूजेस टू होल्ड अ ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ रिस्की एसेट्स सच एज बॉन्ड्स और शेयर्स, देन ही विल बी अर्निंग हायर एवरेज रिटर्न बट ही विल बेयर हायर डिग्री ऑफ रिस्क. मोर रिस्क मोर रिटर्न, बराबर है? Tobin argues that risk averter will not choose such portfolio with all risky bonds or greater proportion of them. जो risk averter है, जिसको risk avoid करना है, वो ज़्यादा risky चीज़ें नहीं खरीदता, चुपचाप bank में FD बनाता है. तो guys, in other case, an individual who in his portfolio of wealth holds only safe and riskless assets in the form of cash or demand deposits, he will be taking almost zero risk and there will be no return. आपको ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेंगे. Therefore, people prefer a mix and diversified portfolio of money. कुछ पैसा रिस्क फ्री डालेंगे, कुछ पैसा रिस्क में डालेंगे, which each person opting for a little difference between risk and return. Tobin derived his liquidity preference function showing relationship between rate of return, rate of interest and demand for money. He argues that with the increase in the rate of return on bonds, individuals will be attracted to hold a greater proportion of their wealth in bonds and less in the form of ready money. At a higher rate of interest, the demand for holding money will be less and people will hold more bonds in their portfolio and vice versa. In Tobin's portfolio approach, demand function for money as an asset slopes downward, where horizontal axis shows the demand for money and vertical axis shows the rate of interest. All right. So guys, yes, that's that. And simple si baat hai. Tobin's liquidity preference theory has been found to be true by empirical studies. Kafi research karke pata chala hai. And to measure interest elasticity of demand for money as an asset. So, jitna zyada interest rahega, utna zyada demand for money, theek hai, depend karega. So, guys, that is all about the entire chapter. That is the entire unit, sorry. That is the demand for money. Shall we solve some questions? We will not take it in the form of quiz. Theek hai, hum log quiz ke form mein nahi lete hai. जनरल एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. ऑलराइट गाइस, चलो एबीसीडी आराम से मुझे बता दो. डोंट लीक द आंसर. आप आंसर चैट बॉक्स में दो. एबीसीडी आपको जो भी आंसर चैट बॉक्स में दो. आंसर ओरली नहीं दोगे आप. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. All right, guys, I guess we have some answers. So, anything that would act as a medium of exchange is money. Dekhte isko. Money has generalized purchasing power and generally acceptable in settlement of all transactions. Her transaction mein money kaam karta hai, yes or no? Yes. 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 So, yes. Correct statement hai. Money is totally liquid asset. Barabar hai? Isse liquid kuch nahi hai, bhai. Which can, hum log koi bhi goods or koi bhi services kareed sakte hai. Correct hai. करेंसी विच रिप्रेजेंट मनी डज नॉट नेसेसरली हैव इंट्रिंसिक वैल्यू. डू यू अग्री? करेंसी में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहा तो भी चलेगा? हां, ऐसा कोई ऐसा कोई मनी ऑलरेडी है मार्केट में? क्या क्या? हां, फिएट मनी, जिसको पूरा नॉलेज है. आपको पता चल गया तीनों स्टेटमेंट सही है. अब इसको देखते हैं. एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज मनी, यस और नो? नो. यानी आपको ये आईपैड चाहिए, मान लेते हैं आपको ये आईपैड चाहिए, दे देता हूं मैं, ये लो बदले में. आप अपना कोई फोन दे दो मुझे, कुछ भी दे दो मुझे आप बदले में. तो गाइस, क्या ये मनी हो गया? फिर ये मनी हो गया? नहीं ना. सो बार्टर हो गया ये. एनीथिंग दैट वुड एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज नीड नॉट बी मनी. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ए. इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो गाइस, ऑलमोस्ट सबने आंसर दिए. ठीक है, वेल डन. क्या हो गया साईराज? नेक्स्ट क्वेश्चन. आर वी रेडी गाइस? चलो. मनी परफॉर्म्स ऑल द थ्री फंक्शंस मेंशन बिलो, नेमली कौन से देख लो जरा. ब्यूटिफुल आंसर्स गाइस, बहुत बढ़िया. द आंसर इज सी. इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू. गाइस, ये बिल्कुल, ये इस पे जरूर एक क्वेश्चन आएगा, आप याद रखना. गुड आंसर्स गाइस. देन डिमांड फॉर मनी इज डिराइव्ड डिमांड, डायरेक्ट डिमांड, रियल इनकम डिमांड, इनवर्स डिमांड.
क्या बात है, इट इज डिराइव्ड डिमांड. वंडरफुल, ये तो हम लोग डिस्कस आज भी कर चुके हैं. वंडरफुल, बहुत बढ़िया आंसर्स गाइस. इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, आराम से पढ़ो इसको. All right, done. So higher the dash, higher would be the dash of holding cash and lower will be the dash. So higher the interest rate, higher will be the opportunity cost of holding cash. Yani jitna zyada rate of interest rahega, utna zyada interest kamane ki opportunity kho doge, to opportunity cost bhi badh jayegi. और लोअर बिल द डिमांड फॉर मनी, लोग पैसा बैंक में रखेंगे फिर, तो डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगा. सो द आंसर इज, द आंसर इज डी. ऑलमोस्ट सबने सही दिया आंसर. वेल डन गाइस. ऑलराइट, नेक्स्ट, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी होल्ड्स दैट. टेक योर टाइम, आराम से पढ़ो, सारे ऑप्शंस आराम से पढ़ो. All right, I hope it's done. The quantity theory of money holds that changes in general level of commodity prices are caused by the changes in the quantity of money. Sahi hai? The strong relationship between money and price level and the quantity of money is the main determinant of price. Sahi hai? Changes in the value of money or purchasing power of money are determined first and foremost by the changes in the quantity in the money in circulation. Ye bhi sahi hai? All of the above is the correct answer. The Cambridge approach to quantity theory of money is also known as, this is easy. The answer is A, cash balance approach. Fisher's approach and Cambridge approach to demand for money consider जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, फिशर्स और कैम्ब्रिज में दोनों का मेजरली दे आर इनटू ट्रांजैक्शन का डिमांड के लिए होता है. सो सिर्फ स्टोरेज ऑफ वैल्यू टेम्परेली, ये सिर्फ कैम्ब्रिज कह रहा है, फिशर नहीं कह रहा है ये. तो फर्स्ट पॉइंट हट गया, ये दोनों एक, दे आर नॉट ऑन द सेम पेज विद पॉइंट नंबर वन. सेकेंड, लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कैम्ब्रिज कह रहा है, फिशर नहीं कह रहा है, लेकिन दोनों ही ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा रखवाते हैं. ये जो है, ये सिमिलर सिमिलैरिटी है दोनों ही अप्रोच में. रियल मनी इज वेरी गुड यार, गुड आंसर्स यू आर गिविंग. नॉमिनल मनी एडजस्टेड टू द प्राइस लेवल, ठीक है. रियल मनी इज नॉमिनल मनी, ठीक है. व्हाई इज रियल मनी, ठीक है. तो अगर आपको रियल मनी का फॉर्मूला निकालना है, तो P, एवरेज प्राइस लेवल से उसको मल्टीप्लाई करना है. नेशनल इनकम में भी हमने देखा था, नेशनल इनकम में रियल नेशनल इनकम को, रियल नेशनल इनकम निकालना है तो एडजस्ट करना पड़ता है इन्फ्लेशन से, ठीक है. के कैम्ब्रिज का हम लोगों ने देख ही लिया है, के पी वाई, पी मेक्स इट रियल. द प्रिकॉशनरी मनी बैलेंस पीपल वॉन्ट टू होल्ड, आराम से इसको सॉल्व करो.
The answer is the precautionary money balance. People wants to hold, okay? Hold money as income elastic and not very sensitive to rate of interest. ठीक है तो जिन लोगों को ठीक है income the precautionary money balances जो है जो लोग sensitive नहीं है rate of interest को लेके precautionary money ऐसा money है जो emergency में हम use करते हैं तो rate of interest कुछ भी हो इतना पैसा तो हम लोग हाथ में रखेंगे ही रखेंगे ठीक है और वो income के हिसाब से थोड़ा बदलता है ये जो precautionary money होता है वो income के हिसाब से बदलता है income ज्यादा precautionary money balance ज्यादा और ये जो पैसा precautionary होता है उसमें rate of interest कितना भी रहे इतना पैसा तो हम लोग रखेंगे ही precaution के लिए speculative demand for money यानी कुछ opportunity है इसलिए हाथ में पैसा रखे रखेंगे तो rate of interest अगर ज्यादा रहेगा तो speculative demand for money कम रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम रहेगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी ज्यादा रहेगा तो आंसर इज सी नेगेटिवली रिलेटेड टू इंटरेस्ट रेट गुड अकॉर्डिंग टू कीन्स इफ द करंट इंटरेस्ट रेट इज हाई देन व्हाट विल पीपल डू All right, guys. If the current rate of interest is high, so people will demand more money. नहीं नहीं वो तो bank में रख देंगे. People will expect rate of interest to rise and bond to fall. People will expect interest rate to fall. क्योंकि rate of interest high है, लोग सारे पैसे bank में रखेंगे. तो demand for money कम हो जाएगा. Demand for money कम हो जाएगा, तो rate of interest आगे जाके धीरे-धीरे कम हो जाएगा. और bond price will rise in the future. The answer is C. If the current interest rate, अगर current interest rate ज़्यादा है तो लोग क्या करेंगे सारे पैसे बैंक में जमा करवा देंगे तो सब लोग बैंक में पैसे जमा करेंगे तो बैंक के पास एक्स्ट्रा पैसा हो जाएगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल फॉल क्योंकि अब पैसों का डिमांड कम हो चुका है बैंक के पास ज्यादा पैसे आ चुके हैं और पैसे लोगों को रखना ही नहीं अपने पास और धीरे धीरे जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाएगा सब लोग बॉन्ड खरीदने जाएंगे तो बॉन्ड प्राइस का राइस बॉन्ड का जो प्राइस है वो राइस हो जाएगा इन द फ्यूचर द आंसर इज सी अच्छा क्वेश्चन नहीं है और ए और बी दिया ऑप्शन में एक स्टूडेंट का दिल ललचाता है हमेशा ए और बी ऑप्शन दिखा तो वो वही करने की कोशिश करता है तो इसका ध्यान रखना दिमाग लगाना है ऐसे क्वेश्चन में करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो लोग वो बॉन्ड खरीदेंगे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले बॉन्ड खरीदेंगे तो बॉन्ड का डिमांड बढ़ेगा तो उसको प्राइस राइस होगा और जैसे ही प्राइस राइज होगा सब लोग बॉन्ड में डालेंगे तो बॉन्ड का कीमत बढ़ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट धीरे 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 कम होता जाएगा कब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेंगे देन इन्वेंटरी थ्योरी अप्रोच टू ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी ये जो अभी हमने पढ़ा टॉबिन एंड बॉमल आराम से टेक योर टाइम अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन को Alright, explains the negative relationship between money demand and the interest rate. यानी अगर interest rate ज़्यादा, तो money demand कम. Interest rate ज़्यादा रहेगा, तो लोग सारे पैसे bond खरीद में लगा देंगे, तो money का demand कम हो जाएगा. तो negative relationship. Good answers, guys. Baumol and Tobin's approach to demand for money, the optimal average money holding is. आराम से करो इसको solve. Formula याद करो. Formula पे dependent है ये question.
सो आपकी एवरेज मनी होल्डिंग डिपेंड करेगी, इनकम ज्यादा एवरेज मनी होल्डिंग ज्यादा, प्राइस लेवल ज्यादा एवरेज मनी होल्डिंग ज्यादा, तो पॉजिटिव फंक्शन हो गया। ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फंक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है, ब्रोकर फी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है ब्रोकर फी, देखो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ये भी पॉजिटिव फंक्शन हो गया। ठीक है, एंड नेगेटिव फंक्शन टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, तो इसका आंसर डी, नेगेटिव कैसे आया, डिवाइडेड बाय आर है इंटरेस्ट रेट डिनोमिनेटर में, तो ये नेगेटिव फंक्शन हो गया। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इस पे मैं आपको यही बोल रहा था, ये वाला क्वेश्चन है वो जो इस फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। आपको एग्जाम में इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बी वाई और आर का वैल्यू दिया रहेगा, सिर्फ स्क्वायर रूट निकालना है, एग्जाम में जरूर कैलकुलेटर लेके जाना इकोनॉमिक्स के। ऑलराइट, ये फॉर्मूला का स्टिकी नोट रेडी है सबका, यस नो? यस सर, स्टिकी नोट बना लो, इस पे जरूर क्वेश्चन आएगा, स्टूडेंट यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। डैश कंसिडर डिमांड फॉर मनी इज एन एप्लीकेशन फॉर मोर जनरल थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर कैपिटल एसेट्स, इजी है ये तो। कैपिटल एसेट्स आंसर इज मिल्टन फ्रीडमैन, एंड द लास्ट वन, दिस वाज इजी, अब भी पढ़ा है हमने ये, एंड द नॉमिनल डिमांड फॉर मनी राइजेस इफ, आराम से टेक टाइम। So nominal demand for money rises if the opportunity cost of money holding, opportunity cost of money holding, ठीक है, अगर अगर opportunity cost अगर कम हो रही है, decline हो रही है, जैसे bonds या stock में पैसा रख के वैसे भी फायदा नहीं मिल रहा, opportunity cost कम हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, पैसा हाथ में रखेंगे। So guys the answer is A, constant अगर है, constant अगर है तो फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें rises पूछा है उसने, तो ये तो निकल गया option, अगर अगर कांस्टेंट है तो ये ऑप्शन ही खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन ही बेकार था, ये तो कभी था ही नहीं। ठीक है, दूसरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर होल्डिंग मनी, अगर राइस, अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है, इसका मतलब क्या, बॉन्ड्स और स्टॉक में पैसे अगर डालोगे तो ज्यादा हाई रिटर्न ऑफ रिटर्न मिलने वाला है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो आप डिमांड थोड़ी ना करोगे मनी, आप पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दोगे, तो ये आंसर भी गलत हो गया, तो करेक्ट आंसर इज ए। So guys, yeah, that was all the revisionary and MCQ solving for the concept of money demand under the chapter money market. All right guys, this is Pawan Gauka signing off, see you in the next lecture with a new video of a new unit, that is concept of money supply. Thank you so much, see you in the next video, till then take care of yourself, study well, bye bye guys.